हाँ भाइयों, चलते हैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से एक चुटकुला की तरफ। आठ बदमाश रहे तो पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया। जेल में बंद कर दिया। दो तीन दिन बंद रहे, चंचल इतने थे, आठों के आठों जेल से भाग आए। एक बियाबान जंगल में बैठ के जे आपस में बातचीत कर रहे। कोई कह रहे महात्मा हो जाओ, तो कह रहे महात्मा हुई है तो शराब पीने को पैसा कहाँ से आए हैं। कोई कह रहे विदेश चलो, बोले हम बच्चा छोड़ के जाए ना पाए हैं। एक कालो यार, अब तुम सोच रहे सब बात है, लेकिन तब तुम लोग ने जना सोची कोई गरीब गुनिया छोड़ देते, सबई लूट चले गए। तो देखो बंबई वालों ने एक गीत गाया कि शीशे का दिल था और पत्थर का जमाना था, लेकिन ये गुंडा क्या कह रहे हैं योगेश? वो कह रहे हैं कि पत्थर का था दिल मेरा है, पत्थर का था दिल मेरा, लोहे का जमाना था, मुझे कूट दिया, मुझे कूट दिया। मार पड़ी ऐसी है, जब मार पड़ी ऐसी, सिर फूट ही जाना था, मुझे कूट दिया, मुझे कूट दिया। पुलिस के डंडों ने मेरा होश भुला डाला, मुझे मारा इस कदर से बेहोश बना डाला। योगेश, मुँह पे डंडा पिल रहा था है, मुँह पे डंडा पिल रहा था, खुश बहुत जमाना था, मुझे कूट दिया, मुझे कूट दिया। कान लगे तब तो गरीब गुनियन को ना है, तुमने छोड़ो सबई लूट चले गए। हाँ बोले एक काम करो, एक अकल है, एक जुगाड़ है का? बोले शास्त्री बन जाओ। बोले हाँ जो बात सही, उनको जो सरदार रहे सबसे मोटू, वो बोलो हम बनेंगे आचार्य और तुम सब लोग ढुलकिया चिमटिया बन जाओ। शास्त्री की मौज आती है, काजू किशमिश बादाम मेवा माते फल फलूट, तो शास्त्री बन जाओ यहाँ, ठीक है। अब जो उनको सरदार रहे बू तो बनियो शास्त्री, माने कपड़ा अपड़ा बनवाए ले पीले लाल, तिलक तिलक लगाए सब माथो रंगीलाओ। कान लगे ढोलक बाजा सब चीज आएगी, लेकिन कथा करोगे कैसे? टेंट साउंड के पैसा को दिए। बोले टेंट साउंड वाले जी पैसा पहले ना लेते जी, बाद में लेते हैं, कथा होने बाद। तोले का हम तुम बैठे रहे हो, कथा करो निकल ले पतरी गली से। बोले ठीक।
साउंड वाले के पास गए, भैया साउंड वाले 7 दिन की भागवत के कितने पैसे लोगे? साउंड वालों बोलो 14,000। तो मैंने कि 14,000 ना, तुम 16,000 लियो, लेकिन बीच में पैसा नहीं मांगोगे हम लोगों को, बीच में नहीं मिलेगा भाई। पैसा तुम्हें मिलेगा 7 दिन की भागवत हो जाए, उसके बाद 8 दिन भंडारा, और 9वें दिन कलश सिरने के बाद फिर 2 दिन सोवेंगे हम, तब मिलेगी पैसा। बोले अरे कोई बात ना है, दे दियो। अब जाए बात टेंट वाले से कही, टेंट वालों तैयार हो गो। अब टेंट लग गो, साउंड लग गो, 3-4 लड़का व्यवस्था पे छोड़ दे गए, देखो तुम महफिल में, मेरी महफिल में कोई बीड़ी नहीं पिएगा, कोई बात नहीं करेगा, समझाना उसे। अगर न समझे तो फिर पुराने हाथ दिखाई दियो। गद्दी बनी है, आचारी गद्दी पे बैठी है, बाजा फाजा ढोलक वोलक सब रखी। अब आचारी का जान तो है ना, गद्दी पे बैठे, भीड़ बहुत हुई है, लोगों ने कही दूर को शास्त्री है कोई, भैया बड़ो भारी विद्वान है, सब पांडाल भरी आओ, पांडाल भरी आओ। अब लोग कह रहे शुरू करो महाराज, शुरू करो कथा, शुरू करो आचार्य, हाँ कथा शुरू करो। अब आचारी कब महफिल में बोले हो तो जाने, महफिल में बोलने को तरीका का हो उन्हें ना मालूम। जब लोगों ने ज्यादा कही शुरू करो शुरू करो, तो आचारी को गुस्सा आई। आचारी बोले मरे क्यों जाता है, तरुए जीवन आए आज तुम्हारे, अब बैठे तो सुने हैं हम, भाजे थोड़े जाते सुनाए रहे अभी यार। तो लोग 10 मिनट रुक गए, फिर कान लगे सुना सुना शुरू करो, तो कान लगे सुना सुनाए रहे, शांत हो जाइए, हमारी महफिल में कोई बीड़ी नहीं पिएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, कोई गद्दी की तरफ पीठ करके नहीं बैठेगा, अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो हम लोगों ने हथियार डाल दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। अब लोग कहां लगे जो बदमाश हो का बात निकल ही जाते लोगों मुंह से, बोले हथियार डाल दिए चलाना नहीं भूले हैं, तो लोग कछु हसन में डांट दई बात ना ध्यान दो। अब लोग कह रहे शुरू करो शुरू करो, तो कान लेके का सुनोगे बताओ, सब ब्रह्मांड भरो परो, तुम जो जहां छेड़ो तहीं मिलेंगे हम, आला ढोला रसिया नौटंकी गजर कव्वाली थुमरी दादरा, बताओ रामायण सुनाए, बताओ महाभारत गीता आला का सुनाए डारे। तो काऊ ने कही कि रामायण सुनाओ, रामायण सुनाओगे, चलो रामायण सुन लो, हमें कहा तुम जो बताओ सो सुने हम तो सब चीज जानता ही है और जाने का छू ना। अच्छा भैया रामायण सुन लो, भाई रामायण योगेश बामे बूची लगा रही सो बन के आते, इतने उबा के मूड़ होते चार पांच, इतने मूड़ होते का हो तब का हो तब, अरे यार रावण, हाँ भाई की तो रामलीला है, राम भाई मार देते हैं भाई की रामलीला है, अब तुम हमारे मुंह से सुनना चाहते तो हम सुनाए भाई, गुरगुर मानी है, हाँ जा किनके कंठ पे कैसे बैठी सरस्वती, गुरगुर मानी है हमारे मुंह से, तुम लोग सुनना चाहते तो हम सुनाए। तो देखो भैया रामायण, एक बियाबान जंगल में राम लक्ष्मण सीता तीनों एक ही झोपड़ी बना के रह रहे, हाँ झोपड़ी में रह रहे। सो एक दिन रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण भैया हिरण मारवे चले गए, अब अकेली सीता रहे झोपड़ी में, तो ने कहा भाव वो लंकापुरी को राजा कंस आओ महात्मा बन के। अब बाने एक आंख दबाए के कही ए सीता कुछ खाने पीने को मिलेगा? अब तोले एक आदमी बोलो अरे चुप रहा रामायण, तुम्हें जानता रामायण कहूं ना दिखाऊ मोह डाट, फिर तो लंकापुरी को राजा राजा कंस, तो कंस ने चुराई सीता, रावण ने सीता चुराई, तुम्हें जाए ना मालूम है। भाई आचारी बिगड़ गए, बोले कौन बोला कौन बोला, जब हमने पहले ही कह दिया था मेरे कथा प्रवचन में बीच में बोलने का नहीं, कौन बोला? जू बोलो जू, उठा से व्यवस्थापक लड़का कहां गए पकड़ो से। तो 4 मुग्गा घूम रहे 35-35 बस सके, उन पकड़ के बोतल से उठा लो बीच में, तो गद्दी के पिछेला ले जाएगा पटक लो, क्यों रे हमें मालूम पर तुम गुरु जी कथा कान ना दियो, बीच में ठीक टिप्पणी करना जरूरी है, जब ना जानते तो चुप ही बैठे। 2-3 घूसा दाए तो बोलो मत कहे महात्मा में सही तू बहुत बोल रहा हो, जब तू ये तो विद्वान तो इन्हें महाता क्यों बुलाओ विदेश तहते, हाँ
नहीं जे सही ना कहते जे जगह लंकापुरी को राजा कंस सीते चुरा के ले गो सही कहा तू ज्यादा जान सुनते थे किन्ने चुराई सीता की सीता रावण ने चुराई और रावण लंका को राजा तो नहीं अच्छा रावण ने चुराई हाँ तेरे सामने चुराई तू आते वहां पर हम आते ना हमने हमने रामलीला में देखी रामलीला में देखी कहना देखो तूने रामलीला हमने रामलीला नौ दांव देखो नौ दांव देखो चल तेरी बात मानते हैं अरे ओपक मत आंच मत निकाल हो दो और नहीं है बिहार तेरी बात मानते तूने नौ दांव रामलीला देखो नौ दांव रामलीला में रावण ने सीता चुराई है तुम्हारे गुरु जी बोले कंस ने चुराई नहीं तो सुनेगो पूरी बात क्या बस तो मोह तेरे हम रावण ने सीता चुराई है हाँ तो नौ बार तूने रामलीला देखो नौ बार रावण ने सीता चुराई और आज दसवीं बार रावण को काम में बिड़ी गो तो कंस ने चुराई दी बतो चोरी होने ही थी तेरी अम्मा को जब घर में तेल कहा चलोगे तो तू ऐठो ऐठो फिर रहो तेरी ज्यादा पीज मसालो चाह रही दे तो फेरो दे लात दे भद्दो पसाद दो अब तो ना बोलेगा बीच में तुम चुरा चाहे कोई चुराए हमें कोई मतलब नहीं तो कल से बैठ अब अगर बोलो ना तो जान से मार जा रहे बिल्कुल पार कर दे अब कर बैठ गो अब आचार्य से कही सुना आचार्य जी अब आचार्य बोले मूड खराब हो गया मेरा भाई गायकी के लिए कुछ कलाकारी दिखाने के लिए मूड बनाना पड़ता है ओ बंदे ने मेरा मूड खराब कर दिया बीच में से बोलना था नहीं महाराज बहुत मार हुआ है अब तुम सुना 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 है क्या मूड खराब हो गए महाभारत की तरफ चल रहे हैं तो ले को आदमी बोलो जानता हो महाभारत कहूं नाद कहूं मोह डात फिर भाई रावण कहां को राजा तुम जा ही ना जानता हो महाभारत जानता हो अब आचार्य फिर बिगड़ के बोले काका ही महाभारत तुम जानते ना है बता करके दिखा दे बता नहीं ना महाराज करके मन ना तू बता गद्दी पे तो नीचे उतरने की देर है कहता हम कुट रहे हैं कहते कुट दिए सोई महाभारत हो ही है अब यार लोग ने कही ना महाराज सुनाए देव करके मन दिखा तो सुनो महाभारत भाई हस्तिनापुर में द्रौपदी को चीर खींच रहा हूं चीर कौन खींच रहा हूं चीर खींच रहा हूं रावण को भैया कुंभकर्ण मोटो द्रौपदी बनाए पतरी पतरी रहे जीव मोटो कुंभकर्ण चीर खींच रहा आए धर झटका मार रहे तो द्रौपदी चरखी की तरह घुमाई दई बाने नंगी भाई जाती वो तो अच्छी काव पे गणेश भगवान आई है सो उन्हें झटती चीर बढ़ाई दो सो वह झकी आई ना बाद लाद ना राती तो ले को आदमी बोलो चुप रहा है न रामायण जानो न महाभारत जानो कहूं गणेश पीले फिर तो कहूं कुंभकर्ण पीले फिर तो कुंभकर्ण ने खेचो तो चीर बस दूसरा सन ने खेचो और कन्हैया जी ने बढ़ाओ तुम गणेश घूसे फिर तो अब आचार्य बहुत गुस्सा में कौन है ये कौन बोला जब मैंने छोटा सा नमूना अभी पेश कर दिया था बोलने पर और फिर भी तेरी हिम्मत हुई कौन बोला तू तू बोला तू बोला नहीं हम नहीं बोले हम तो पहले ही कुटे धरे ले तो कौन बोला वो मेरे बगल वाला बोला तुम मामी को नंबर पे ले लेते हो ठीक है तू बैठो ना पर जा उठा जू बहुत चिबड़ चिबड़ कर रहा हो पकड़ जा सो भैया उठा लो बोतल से पकड़ गद्दी के पिछेला ले गए और पटक दे कह रहे अब हमें मालूम पड़ी तुम गुरुजी कथा कान ना दियो हाँ हमें लगत हुई यही कथा हाँ एक आध हमारी हाथों से मार हुई जाए अब तू बता अब हमसे शास्त्रार्थ कर किन्ने चीर खेचो किन्ने बढ़ाओ दूसरा सन ने खेचो और कन्हैया ने बढ़ाओ सही बता तू ईमानदारी से बता तू ईमानदारी से कहा तूने तेरे 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 सामने खिंचो तो तू तो ऐसे बैच कर रहा तेरे सामने खिंचो चीज तेरे सामने खिंचो हमारे सामने ना सामने ना खिंचो तो तू इतने विश्वास से कैसे कह सका तू बिन नहीं खेचो बोल कहां देखो तूने हमने टेलीविजन में टेलीविजन तेरे मुंह तो दिया बिहार टेलीविजन में देखो कैदा देखो तुम टेलीविजन में हमने आठ दस देखो टेलीविजन में आठ दस टेलीविजन में देखो चलो मैं तेरी बात मानते काउ बात पे तो आए है तू ससुर मूर्ख तो हम का समझाए तूने आठ दांव देखो टेलीविजन में और आठ दांव दूसरा सन नहीं खेचो कन्हैया ही ने बढ़ाओ तेरे कान को मतलब जाए तो है हाँ
कन्हैया ने बड़ा दूसरा तन ने खेचो है तो भाई लीला है वो दिखाई जाते बेर बेर मैंने अच्छा दिखाई जाते चल तेरी बात मानते आठ दाव दूसरा सन नहीं खेचो तूने टेलीविजन में देखो कन्हैया ही ने बढ़ाओ लेकिन आज नौवीं बार चलो कोई बात ना है दूसरा सन कहूं काम में लग गाओ तो आज कभी कुंभकर्ण ने खेच जा रहे हो तो ससुर खिंचने ही तो हाँ वो तो कोई ना कोई खेच तो ही कुंभकर्ण ने खेच दो कन्हैया जी दूर जाते बे आए ना पाए बेचारे गणेश भगवान देख रहे तो बिन्ने की काऊ औरत की बेइज्जती ना हो जाए बे ना आए पाए तो ला हम ही बढ़ाए दे सो गणेश भगवान ने बढ़ाए दो अरे नंगी हो जाती तो ससुर कछु मिल जाते हैं तो 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 खुशी तो कहूँ ना भाई तो दुख और भाव बिन्ने चीर बढ़ाए दे भद्दो सारे काऊ की इज्जती ना जान तो काऊ औरत की मार के पसा दे तो काऊ ने खबर दे दी चौकी पे सो दो तीन गाड़ियों कत्ती चली आई तो भैया शास्त्री ढोलक वाले चिमटा वाले सब पकड़े और गाड़ी में बैठा रे सब जेल में बंद कर दे जाए।